हेलो एवरीवन, आई एम प्रतिभा भगत एंड वेलकम बैक अगेन इन दिस लेक्चर सेशन। लास्ट क्लास में हमने मैंगो के इम्पॉर्टेंट डिजीज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें था आपका एंथ्रेक्नोज, माल फॉर्मेशन एंड पाउडर वीडियो। ऑलरेडी हम एंथ्रेक्नोज के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और आज मैं अनदर इम्पॉर्टेंट डिजीज दैट इज़ माल फॉर्मेशन एंड अदर डिजीज लाइक पाउडर मिल्डियो, इन दोनों डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मैंगो माल फॉर्मेशन से। सो माल फॉर्मेशन इज़ अ फंगल डिजीज कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम मोनोलीफॉर्म वर सबग्लूटिनेंस एंड दैट कैन कॉज एबनॉर्मल फ्लावर्स, लीव्स एंड शूट ग्रोथ। And also in young nursery, plant can be severely stunted, and this is the very severe disease of mango, and it is important in North India. In India, it is known to occur in UP, Maharashtra, Haryana, Bihar, Punjab, Chhattisgarh and Andhra Pradesh. Particularly, this disease is very severe in UP, causing much damage than other parts. In Northwest India, nearly 50% incidence on orchard were recorded previously, whereas in northeast and south the incidence may be up to 10% only. So coastal areas are free from this disease, means only northwest India and northeast and south India are very affected by this disease, and coastal area are free from this disease. So next one is symptoms. Mainly two types of symptoms occur in tree. First is vegetative malformation and floral malformation. These both symptoms caused by hypertrophy effect of gibberellic acid production by the pathogen. So first one is vegetative malformation. जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से प्लांट में हाइपरट्रॉफी देखी जा सकती है, जिसे हम बंची टॉप अपीयरेंस भी कहते हैं। अफेक्टेड प्लांट हमेशा एक्सेसिव वेजिटेटिव ब्रांचेस प्रोड्यूस करता है, जो कि जिनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है और वह स्वेलन भी होते हैं। देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से इन ब्रांचेस में स्वेलन दिखाई दे रही है। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं वेजिटेटिव ब्रांचेस, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, लिमिटेड हो जाती है, और उनमें स्वेलिंग आ जाती है, और साथ ही साथ उनके इंटर नोड्स जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो इनका जो लेंथ है इंटर नोड, वो शॉर्ट हो चुका है। सो इस तरह से ये जो ब्रांचेस हैं वो ड्रॉप दिखने लगती हैं, और जिनकी साइज़ वेरियस साइजेस में देखी जा सकती है। किसी का साइज़ किसी अदर ब्रांच से कम होगा या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जितने भी ब्रांचेस हैं इनकी साइज़ नहीं बढ़ पाती। और मोस्टली जो सिडलिंग्स होता है उनके टॉप पे एक बंची टॉप अपीयरेंस दिखाई देता है, और बंची टॉप अपीयरेंस यानी कि कॉम्पैक्ट लीव्स आर फॉर्म्ड इन अ ब्रांच एट द एपेक्स ऑफ द शूट और इन द लीफ एक्सल। सो इस तरह से बंची टॉप आपका शो होता है, अपीयरेंस दिखाई देता है, इसलिए हम इस सिम्टम्स को बंची टॉप अपीयरेंस भी कहते हैं। वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा यंग सिडलिंग्स में दिखाई देता है, जबकि ग्राफ्टेड प्लांट में वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन के जो सिम्टम्स हैं वो कम दिखाई देते हैं, लेकिन यंग सीडलिंग्स में इनकी जो मात्रा है वो ज़्यादा पाई गई है। तो ये था वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरल माल फॉर्मेशन। फ्लोरल माल फॉर्मेशन से मीनिंग है कि जो प्लांट फ्रूट है उसका इन्फ्लोरेसेंस है, उसके फ्लोरल पार्ट में इन्फेक्शन कॉज होना और हाइपरट्रॉफियाइड ब्रैक्ट्स का निर्माण होना। तो इन हाइपरट्रॉफियाइड ब्रैक्ट्स के निर्माण होने से जो फ्लावर्स होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, जिनकी वजह से वो मालफॉर्म्ड हो जाते हैं और उनमें किसी भी तरह के जो फ्रूटिंग है वो सेट नहीं हो पाती। सो जो फ्लावरिंग पैनिकल्स होते हैं वह स्टार्टिंग में अगर इन्फेक्शन हो जाने के बावजूद भी स्टार्टिंग में बहुत ही नॉर्मल निकल लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे कॉम्पैक्ट बंच के रूप में कन्वर्ट होने लगते हैं, और ये कॉम्पैक्ट बंच में जो फ्लावर्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। सो जो इंडिविजुअल फ्लावर्स हैं वो हार्ड होने लगते हैं और साइज़ में बढ़ने लगते हैं, जो कि एक लार्ज डिस्क के रूप में दिखाई देता है।
जैसे जैसे ये इनफ्लोरेसेंस बढ़ते जाते हैं, जो फ्लावर्स होती है वो हाइपरट्रोफाइड ब्रैक्ट्स के रूप में कन्वर्ट होने लगती है, शो होने लगती है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है वो पूरा का पूरा माल फॉर्म पेनिकल्स में कन्वर्ट होने लगता है। ये माल फॉर्म जो हेड्स होते हैं वह सूखने लगते हैं और ब्लैक मासेस के रूप में कन्वर्ट होने लगते हैं, जो कि ट्री में काफ़ी लंबे समय के लिए रहता है। आप इमेज से देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो फ्लोरल पार्ट है वो मालफॉर्म्ड हो चुका है और उसमें ब्लैक स्पोर्ट्स, ब्लैक मासेस हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इन्फेक्टेड जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, इन्फेक्टेड और अफेक्टेड इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, वो या तो झड़ जाते हैं या तो उनमें किसी भी तरह की फ्रूटिंग नहीं होती। अगर फ्रूटिंग नहीं होगी तो उनमें हमारा इल प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, मैंगो का फ्रूट डेवलप नहीं हो पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह से माल फॉर्मेशन में दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, वेजिटेटिव एंड फ्लोरल माल फॉर्मेशन। तो इस तरह से ये डिसीज़ बहुत ही इल लॉस फील्ड में कॉज कर सकती है, अगर ये बहुत ही सीवियर अमाउंट में आ गई है तो। मोस्टली हम कई बार आप देखेंगे कि जब भी माल फॉर्मेशन फील्ड में आता है तो, यानी कि आपके ऑर्चर्ड में आता है, तो वहाँ पे जो फ्रूटिंग होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि जो हमारा वेजिटेटिव पार्ट और वेजिटेटिव एंड फ्लावर वाला पार्ट है, इनफ्लोरेसेंस है, वह पूरा का पूरा हाइपरट्रोफाइड हो जाता है और जिसमें फ्रूटिंग नहीं होती। तो ये था सिम्टम्स ऑफ मैंगो माल फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है हमारा पैथोजन। डिजीज़ को कॉज करने वाला पैथोजन है फ्यूजेरिया मोनली फॉर्म्स अवर सब ग्लूटिनेंस। सो इस डिजीज़ का फंगस बहुत ही बाद में इसे खोजा गया। इससे पहले लोगों का ये मानना था कि ये डिजीज़ किसी तरह का डिसऑर्डर है, एक तरह का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बट जैसे ही डिसीज़ के पैथोजन के बारे में जाना गया, तब इसे नाम दिया गया फ्यूजेरियम ओनली फॉर्म वर्स अग्लूटिनेंस, जो कि इस पैथोजन के द्वारा कॉज होता है। साथ ही साथ इस डिसीज़ को स्प्रेड करने के लिए ईरियोफाइट माइट्स एंड वायरस भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। मोस्टली इस पैथोजन में मैक्रोकुनीडिया, माइक्रोकुनीडिया एंड कुनीडियोफोर प्रोड्यूस होते हैं। कुनीडियोफोर एरियल माइसीलियम में प्रोड्यूस होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये शॉर्ट जो कुनीडियो ये माइसीलियम है आपका, इस माइसीलियम में ये शॉर्ट कुनीडियोफोर प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये शॉर्ट कुनीडियोफोर डायरेक्ट होते हैं और होस्टेड टू सबस्ट्रेट होते हैं। साथ ही साथ यह या तो सिंगल माइक्रोकुनीडिया प्रोड्यूस करेंगे या फिर ये पॉलीफिलाइट्स कुनीडिया प्रोड्यूस करते हैं। सो इसमें दो तरह के कुनीडिया प्रोड्यूस होते हैं, एक है आपका माइक्रोकुनीडिया और दूसरा है आपका मैक्रोकुनीडिया एंड देन है आपका माइक्रोकुनीडिया। सो ऑब्वियसली मैक्रोकुनीडिया माइक्रोकुनीडिया से साइज में बड़े होते हैं। सो माइक्रोकुनीडिया का जो साइज होता है वह बड़ा होता है, तो और इनका शेप जो होता है वो लॉन्ग होता है और इन यह सिलेंडर शेप के होते हैं। यूजुअली इसमें 3 to 5 सेपरेशन पाया जाता है और ये कलरलेस होते हैं, हाईलाइन होती है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोकुनीडिया। माइक्रोकुनीडिया में मोस्टली 0 to 2 सेपरेशन देखा गया है, यानी कि यह 0 to 2 सेल होते हैं और इनमें जो माइक्रोकुनीडिया है वो बहुत ही कम अमाउंट में बनते हैं एज़ कम्पेयर टू मैक्रोकुनीडिया। एंड जो इनका शेप होता है वो ओवल टू फ्यूजी फॉर्म का होता है और इनमें स्पोरोडोकिया प्रेजेंट रहते हैं, जबकि मैक्रोकुनीडिया में क्लाइमेडोस्पोर नहीं बनते माइक्रोकुनीडिया के। तो ये था इस डिसीज़ का पैथोजन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिसीज साइकिल। सो डिसीज साइकिल में इसका प्राइमरी इन्फेक्शन जो है यह इन्फेक्टेड प्लांट एवरेज के थ्रू होता है, यानी कि यह सॉइल बॉर्न है। सॉइल में सेप्रोफिटिक माइसीलियम एंड क्लाइमेडोस्पोर प्लांट एवरेज में, इन्फेक्टेड प्लांट एवरेज में, जो कि पेड़ से चढ़ के नीचे गिर जाते हैं, उनमें उन एवरेज में सर्वाइव करते हैं और एज अ प्राइमरी इनोकुलम एक्ट करते हैं। जबकि सेकेंडरी इन्फेक्शन या तो वह विंड बॉर्न कुनीलिया या फिर माइट के कारण डेसिमिनेशन होने के कारण होता है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो माइट होता है वह लीफ में अगर एक बार आ जाए तो वो लीफ से मूव करके
ब्रांच बर्ड्स की तरफ आता है और इस तरह से वो बर्ड्स में कोनिडिया का स्प्रेड कर देता है और इस तरह से जो बर्ड्स होती हैं एपिकल बर्ड्स होती है उसमें फ्यूजेरियम मेंजीफेरा का इन्फेक्शन स्टार्ट होता है और यह इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यानी कि पैथोजन की कॉलोनी फॉर्म होने लगती है और इस तरह से वो वेजिटेटिव एंड फ्लोरल मालफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है और यह मालफॉर्मेशन से इसमें इन्हीं मालफॉर्म्ड वेजिटेट इन्हीं मालफॉर्म्ड एरिया से जब कुनीडिया होता है या तो वो मैक्रोकुनीडिया हो सकता है या फिर माइक्रोकुनीडिया, यह एयर के थ्रू हेल्दी प्लांट में जाके इन्फेक्शन स्टार्ट करता है। तो इस तरह से यह इसका प्राइमरी या सेकेंडरी इन्फेक्शन डिसीज़ कॉज करती है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। इस डिसीज़ को मैनेज करने के लिए हमें डिफरेंट टैक्टिक्स का यूज़ करना होगा। पहले तो हमें ऐसे प्लांट मटेरियल का यूज़ करना है जो कि बिल्कुल ही डिसीज़ फ्री हो। अगर प्लांट डिसीज़ फ्री रहेगी, सीडलिंग डिसीज़ फ्री रहेगी तो फील्ड में डिसीज़ किसी तरह से नहीं आ पाएंगे। और हमेशा हमें जब भी ऑर्चिड तैयार करें तो ऑर्चिड तैयार करने से हमें पहले ऐसे एरिया का चुनाव करना होगा जो कि डिसीज़ फ्री हो, इसमें इसमें पहले किसी तरह का डिसीज़ ना देखा गया हो मैंगो से रिलेटेड, या फिर हमें फील्ड का प्रॉपर सैनिटेशन करना होगा और क्लीनिंग करनी होगी। साथ ही साथ हम इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम प्रोफाइलैक्टिक स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फील्ड का चुनाव कर सकते हैं और फील्ड को डिसीज़ फ्री और इंसेक्ट से फ्री रख सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी डिसीज़ पार्ट है, यानी कि जो माल फॉर्म्ड एरिया है प्लांट में, उन्हें हमें 15 से 20 सेंटीमीटर तक उनके जहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ उस इन्फेक्शन से कम 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी तक प्रूनिंग करनी चाहिए। और जहाँ मतलब हेल्दी प्लांट का आपका 15 से 20 सेंटीमीटर में लेना है, तो इन्फेक्टेड पार्ट से हेल्दी पार्ट की तरफ हमें 15 से 20 सेंटीमीटर लंबाई तक इन्फेक्टेड पार्ट की प्रूनिंग करनी है और प्रूनिंग करने के बाद हमें उस इन्फेक्टेड पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देना है। साथ ही साथ हम ट्री पे विनोमाइल और कार्बेंडाजीम का 0.1% का स्प्रे कर सकते हैं और इसके अलावा हम नेप्थलीन एसिटिक एसिड यानी कि NAA का 2 ppm का सॉल्यूशन बना के हमें फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इसका स्प्रे कर देना चाहिए। अगर हम इसका स्प्रे कर देते हैं अक्टूबर में ही तो इस डिसीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस डिसीज़ का कंट्रोल कर सकते हैं। और यह था आपका मैंगो का माल फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू हमारा एक फंगस के द्वारा ही कॉज होता है और जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ओइडिया मेंजीफेरा, जिसका परफेक्ट स्टेज यानी कि सेक्सुअल स्टेज है इरिसिफी पॉलीगनी। और इरिसिफी पॉलीगनी इंडिया में बहुत ही रेयर केस है, जिसी इस पैथोजन मतलब इसका जो परफेक्ट स्टेज है वो इंडिया में बहुत ही रेयर देखा गया है, ऑलमोस्ट ना के बराबर देखा गया है। तो मेनली इंडिया में यह डिसीज़ ओडिया मेंजीफेरी के द्वारा ही कॉज होता है। साथ ही साथ यह डिसीज़ पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है और सबसे ज़्यादा यह इंडिया, पाकिस्तान, सियालोन एंड साउथ अफ्रीका में इसे रिपोर्ट किया गया है। इंडिया में यह डिसीज़ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका में देखा गया है और सबसे ज़्यादा यह कूलर मंथ में आता है, यानी कि जब एटमोसफियर कूल होता है तभी इस डिसीज़ का इंसिडेंस देखा जाएगा, मोस्टली फ्रॉम दिसंबर टू मार्च। ये था इस डिसीज़ का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट है हमारा सिम्टम। जैसे कि हम सब जानते हैं पाउडरी मिल्ड्यू में प्लांट पार्ट्स में हमेशा पाउडरी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है और ये पाउडरी स्ट्रक्चर मोस्टली मैंगो में इसके फ्लावर पार्ट्स में ही स्टार्ट होते हैं। इस डिसीज़ को बहुत ही ईजिली पहचाना जा सकता है क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस या फिर टेंडर लीव्स पे यह एज अ वाइट और ग्रेश पाउडरी ग्रोथ के रूप में अपीयर होते हैं और यह जो इन्फेक्शन है वो हमेशा इन्फ्लोरेसेंस से ही स्टार्ट होता है और धीरे धीरे डाउनवर्ड्स की तरफ नीचे की तरफ यह स्प्रेड होने लगता है, यानी कि आपका फ्लोरल एक्सिस और टेंडर लीव्स और स्टेम पे भी इनको हम देख सकते हैं, इनके सिम्टम्स को, पाउडरी ग्रोथ को। इस तरह से
जब पाउडरी मासेस यानी कि ये पाउडरी ग्रोथ प्लांट पार्ट में बनना स्टार्ट हो जाती है और इनके इन्फेक्शन के थ्रू इन्फेक्टेड जो लीफ होती है उसमें भी उसमें ट्विस्टिंग आ जाती है, यानी कि लीफ जो होता है वो आपका मुड़ जाता है, कर्लिंग आ जाती है और गिर जाता है। साथ ही साथ जो इन्फेक्टेड फ्लोरल पार्ट है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस फ्लोरल पार्ट में सीवियरली डैमेज हुआ है और पूरा का पूरा जो फ्लोरल पार्ट है वो गिर चुका है और इसमें कोई भी तरह का फ्रूट सेट नहीं हुआ है। लेकिन अगर फ्रूट सेट भी हो जाता है, देख सकते हैं कि इसमें एक छोटा सा फ्रूट सेट हुआ है, लेकिन यह भी फ्रूट का जो साइज़ है, जो ग्रोथ है वह नहीं हो पा रहा है और एक छोटे से पी के स्ट्रक्चर में, यानी कि एक मटर के समान इसका स्ट्रक्चर रह गया है, उससे ज़्यादा ये इसका सिम्टम्स नहीं बढ़ पाया है। तो ये था पाउडर मिल्ड्यू का सिम्टम्स। अगर हम पाउडर मिल्ड्यू का सिम्टम्स हम इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो आपका पाउडर मिल्ड्यू का सिम्टम्स है वो फ्लोरल पार्ट से स्टार्ट होता है और डाउनवर्ड्स की तरफ जाने लगता है, जिसमें फ्लोरल एक्सिल टेंडर लीव स्टेम्स भी इन्फेक्टेड होते हैं और लीव्स ट्विस्ट हो जाती है, कर्ल हो जाती है, गिर जाती है। इसमें फ्लोरल प्लांट में भी इन्फेक्शन से फ्लावर्स झड़ जाते हैं, फ्रूट सेट नहीं हो पाता और अगर फ्रूट सेट भी हो जाए तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती मोस्टली, वह मटर के समान इतनी साइज तक वो रह जाते हैं, उनके बढ़ नहीं पाते और वह गिर जाते हैं। तो इस तरह से यह इस डिसीज़ का सिम्टम्स ऑर्चर्ड में अकर होता है। नेक्स्ट है हमारा पैथोजन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, डिसीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म है ओइडियम मेंजीफेरा एंड परफेक्ट स्टेज है एरिसिफी पॉलीगिनी, जो कि इंडिया में रेयर है। सो यह पैथोजन आपका माइसीलियम कुनीडिया एंड कुनीडियो फोर प्रोड्यूस करता है। जो माइसीलियम होता है यानी कि यह जो फंगस है वो बहुत ही सुपरफेशियल है, सेप्टेड है, हाईलाइन होता है और इसका साइज 3.8 to 7.9 माइक्रॉन मीटर तक मेज़र किया गया है। कुनीडियो फोर होते हैं वह हाईलाइन होते हैं, 2 to 4 सेल्ड होते हैं, एनक्लेविड शेप के होते हैं, जबकि जो कुनीडिया होता है वो बहुत ही अबेंडेंट फॉर्म में प्रोड्यूस होता है एंड हाईलाइन होते हैं। उनका जो शेप होता है वो बैरल शेप से इलिप्सॉइड शेप का होता है एंड यह सिंगल सेल्ड होते हैं। साथ ही साथ या तो यह सिंगली प्रोड्यूस होते हैं कुनीडियो फोर में, या फिर यह 2 से 4 के चेन के रूप में फॉर्म होते हैं, एक के ऊपर एक, यानी ये प्रोड्यूस होते हैं, या तो सिंगल प्रोड्यूस होंगे या तो चेन के रूप में प्रोड्यूस होंगे और इनका साइज 31.25 to 44.79 x 16.502 to 23.11 माइक्रॉन मीटर होता है। तो ये था इस डिसीज़ के पैथोजन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिसीज़ का डिसीज़ साइकिल। मोस्टली ये जो डिसीज़ होता है उसका प्राइमरी इन्फेक्शन डोरमेंट माइसीलियम और कुनीडिया के द्वारा होता है, जो कि इन्फेक्टेड प्लांट एवरेज में प्रेजेंट रहते हैं। तो मैंगो का ये तीनों इंपॉर्टेंट डिसीज़ का प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑलमोस्ट सेम है। इसमें भी प्राइमरी डोरमेंट माइसीलियम और कुनीडिया क्या हो रहे हैं आपके इन्फेक्टेड प्लांट एवरेज में सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि वह सॉइल बॉर्न है। एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन विंड के द्वारा है, जिसमें विंड बॉर्न कुनीडिया विंड के थ्रू एयर के थ्रू डेसिमिनेट हो रहे हैं और डिसीज़ को ऑर्चर्ड में कंटिन्यू रखते हैं इनका साइकिल और इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो ये था इस डिसीज़ का डिसीज़ साइकिल। अब लास्ट है हमारा मैनेजमेंट। सो इस डिसीज़ को मैनेजमेंट मैनेज करने के लिए हमें डिफरेंट प्रैक्टिसेस का यूज़ करना होगा। इस डिसीज़ को हम जितनी भी फील्ड सैनिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पहले तो हमें फील्ड सैनिटेशन पे ध्यान देना होगा। फील्ड सैनिटेशन के साथ साथ जितने भी इन्फेक्टेड पार्ट हैं उन्हें भी हमें सेम प्रूनिंग करनी होगी। प्रूनिंग के अलावा हम रेसिस्टेंट वैरायटी भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिस्टेंट वैरायटी में हम नीलम, जरदालू, बैंगलोरा, तोरा परी खुर्द एंड जनार्दन पसंद का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से रेसिस्टेंट वैरायटी यूज़ करने से फील्ड में पाउडर मिल्ड्यू का इंसिडेंस कम हो जाता है और साथ ही साथ हम केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। केमिकल्स में हम वेजिटेबल सल्फर से स्प्रेइंग कर सकते हैं। जब फ्लावर ओपन नहीं हुआ रहता उससे पहले हमें स्प्रेइंग को कर देनी चाहिए और
फ्रूट के सेट होने के बाद भी हम इसका दूसरा स्प्रेइंग फील्ड में कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 से 3 बार फाइन सल्फर से हमें प्लांट में डस्टिंग करनी होगी इन्फेक्टेड एरियाज़ में। और इसके अलावा हम कैराथेन का 0.1% फ्लावरिंग से पहले और फ्रूट सेट होने के बाद हम स्प्रेइंग कर सकते हैं, और इस तरह से हम डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था मैंगो के इम्पॉर्टेंट डिसीजेस, एंथ्रेक्नोज, मालफॉर्मेशन एंड पाउडरी मिल्ड्यू। और मैंगो का जितना भी हमें इम्पॉर्टेंट डिसीजेस के बारे में जानना था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर सेशन में हम दूसरे हॉर्टिकल्चर क्रॉप को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे इनसाइड।